Hello students, I'm Zuba'r Sir and I welcome you to my YouTube channel Orator Institute of English. एक टॉपिक जो हमेशा हमारे मन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो है एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन गॉड्स और माइथोलॉजीज और रिलीजन. हमें नहीं समझ में आता कि ये पोसाइडन कौन है, ये ज्यूस कौन है, ज्यूस और पोसाइडन का रिश्ता क्या है, ये हेरा कौन सी देवी है. इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे राइटर्स पोएट्स एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी का इस्तेमाल करते रहते हैं. एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी को हम कई वीडियोस में पढ़ेंगे. इस वीडियो में सिर्फ हम एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी के उन 12 मुख्य देवी देवताओं का जिक्र करेंगे जिन्हें हम 12 ओलंपियंस के नाम से जानते हैं. वैसे तो एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन ये 12 मेन क्यों हैं, क्या इनके पीछे की कहानी है, वो आप सुनिएगा. एक माउंट ओलंपस नाम का पर्वत है, आज भी ये ग्रीस में है, आप जा सकते हैं. माना जाता था माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि उस पर्वत पर सभी देवी देवता रहा करते थे और सभी देवी देवताओं का एक मंदिर हुआ करता था. तो वो 12 जो मुख्य देवी देवता हैं वही सारी चीज़ें रन किया करते थे, बाकी और भी देवी देवता हैं. आज इस वीडियो में हम उन्हीं 12 की बात करेंगे. ये जो 12 देवी देवता हैं, एक देवी और देवता का एक जोड़ा है, उनका नाम याद रखिएगा, क्रोनस नाम है और एक रिया इनकी वाइफ है. इन 12 में से 6 तो इन्हीं के बच्चे हैं और बाकी 6 इनके बच्चों के बच्चे हैं. ठीक है, बाकी क्रोनस और रिया भी किसी के बच्चे थे, वो भी देवी और देवता थे. तो ये है तो बहुत सारे, लेकिन ये 12 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यही मोस्टली इंग्लिश लिटरेचर में आते भी हैं. और अब तो ग्रीक माइथोलॉजी से TGT PGT में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्ट. इन 12 ओलंपियंस में 11 के लिए तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन 12th ओलंपियन जो है उसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है. कुछ लोग मानते हैं कि ये वाला है और कुछ लोग मानते हैं कि ये वाली देवी है, वो हमने वीडियो के एक्सप्लेनेशन में समझा दिया है. चलिए मिलते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद. सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो. हमारे पहले जो गॉड हैं वो हैं ज्यूस. रोमन्स इन्हें बोलते थे जुपिटर और ये किंग ऑफ द गॉड्स हैं, यानी देवताओं के राजा हैं. इनको रूलर ऑफ माउंट ओलंपस भी माना जाता है, माउंट ओलंपस के रूलर हैं. गॉड ऑफ द स्काई भी हैं ये, गॉड ऑफ द लाइटनिंग, गॉड ऑफ द थंडर, गॉड ऑफ द लॉ, गॉड ऑफ द ऑर्डर एंड जस्टिस. ये जो क्रोनस और रिया हैं उनके सबसे छोटे बच्चे हैं और भाई हैं और पति हैं हेरा के, यानी अपनी बहन से ही इनकी शादी हुई है. और बहुत सारे लवर्स रहे हैं इनके और बहुत सारे लवर्स से इनके अलग अलग बच्चे हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. इनके जो सिंबल हैं ज्यूस के, उसमें एक तो थंडर बोल्ट ज्यूस का सिंबल है, ईगल, ओक ट्री, बुल और स्केल्स तराजू. नेक्स्ट देवी हैं एक हेरा और रोमन्स इन्हें जूनो बोलते हैं. ये क्वीन ऑफ द गॉड्स हैं, ये सभी देवताओं की रानी हैं और इसी वजह से ये ज्यूस की बीवी हुई और उनकी बहन भी हैं. गॉडेस ऑफ मैरिज हैं ये, गॉडेस ऑफ वुमेन, गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और गॉडेस ऑफ फैमिली हैं. ये जो हैं क्योंकि शादी की देवी हैं, इसलिए ये जो इनके पति और भाई हैं ज्यूस, ये इनके लवर से बदला लेती रहती हैं और उनके बच्चों से बदला लेती रहती हैं, क्योंकि किसी भी बीवी को अपने पति की गर्लफ्रेंड्स पसंद नहीं होती हैं, तो हेरा को भी पसंद नहीं है. इनके जो सिंबल हैं हेरा के वो हैं पिकॉक, कुकू और काउ. पोसाइडन हमारा अगला देवता है ये एक. ये पोसाइडन तो आपने मूवी भी देखी होगी हॉलीवुड. और इनको रोमन्स बुलाते थे नेपच्यून. ये गॉड ऑफ सीज, समुंदर के देवता हैं. गॉड ऑफ वाटर भी यही हैं, गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, गॉड ऑफ हरिकेन्स, गॉड ऑफ अर्थक्वेक्स और गॉड ऑफ हॉर्सेस भी यही हैं. ठीक, ये मंझले बेटे हैं क्रोनस और रिया के, ज्यूस के भाई हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो इनके सिंबल्स हैं, इनके सिंबल्स हैं हॉर्स, बुल और डॉल्फिन और ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल. ये सब इनके सिंबल्स हैं पोसाइडन के. नेक्स्ट एक देवी हैं डिमीटर, और इनको रोमन्स जो थे वो सर्स बुलाते थे.
और मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, क्योंकि मिल्टन ने इनका जिक्र किया है अपनी पोइम्स वगैरह में, तो इस आर को कुछ लोग साइलेंस भी पढ़ते हैं, तो सस भी पढ़ते हैं इन्हें। ये जो हैं डिमीटर, ये गॉडेस ऑफ द हार्वेस्ट हैं, ठीक है, और गॉडेस ऑफ द फर्टिलिटी भी हैं ये, ठीक, गॉडेस ऑफ द एग्रीकल्चर भी ये हैं, और गॉडेस ऑफ द नेचर प्रकृति, गॉडेस ऑफ द सीजन भी यही हैं। ऐसा माना जाता है कि इस अर्थ पर जितनी भी चीज़ें उगती हैं, अनाज उगता है, जितना भी उपजाऊ चीज़ें उगती हैं, जो भी, ये सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है, डिमीटर की कृपा से। ये जो हैं ये मंझली बेटी हैं क्रोनस और रिया की, और ज्यूस को इनसे भी प्यार था, डिमीटर से, ठीक है, और ये पोसाइडन से भी इनका वो था अफेयर, यानी दोनों भाइयों से इनका अफेयर था। और इनके जो सिंबल्स हैं वो है पॉपी, पॉपी कहते हैं अफीम को, अफीम इनका सिंबल है। इसके अलावा वीट इनका सिंबल है, टॉर्च मशाल, और पिग इनका सिंबल है। नेक्स्ट भी देवी हैं एक, नाम है अथेना, और रोमन्स इन्हें मिनर्वा बोलते थे। ये गॉडेस ऑफ विजडम, बुद्धिमता की देवी हैं, हैंडीक्राफ्ट जो हाथों हाथ की हस्तकला है उसकी देवी हैं, वारफेयर यानी युद्ध कला की देवी भी एथेना है। ये ज्यूस की बेटी हैं, लेकिन इनकी मम्मी हैरा नहीं है, जो ज्यूस की वाइफ आपने ऊपर पढ़ी हैं। ये पैदा कैसे हुई हैं एथेना, एथेना या मिनर्वा? दरअसल ऐसा माना जाता है माइथोलॉजी में कि एथेना जो है वो ज्यूस के सर से पैदा हुई थी, और ये फुली ग्रोन पैदा हुई थी, यानी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, ये जैसे आप इनका फोटो देख रहे हैं ऐसी ही पैदा हुई थी। और जब ये पैदा हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल एक योद्धा वाले कपड़े पहने हुए थे, इसलिए ये युद्ध कला की देवी हैं। नेक्स्ट जो एक देवता है नेक्स्ट अपोलो, अपोलन भी बोलते हैं इन्हें, और रोमन्स इन्हें फोबस बोलते हैं। ये गॉड ऑफ लाइट, प्रकाश के देवता हैं, गॉड ऑफ सन भी हैं, गॉड ऑफ प्रोफेसी भी यही हैं, गॉड ऑफ फिलॉसफी भी हैं, गॉड ऑफ आर्चरी भी हैं, ठीक है, तीरंदाजी के देवता, ये इंपॉर्टेंट बात है। गॉड ऑफ ट्रुथ भी कहलाते हैं, गॉड ऑफ इंस्पिरेशन, गॉड ऑफ पोइट्री भी यही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेचर के एग्जाम्स में। और गॉड ऑफ म्यूजिक भी यही है, गॉड ऑफ आर्ट्स, गॉड ऑफ मैनली ब्यूटी यानी मर्दों की जो खूबसूरती होती है वो भी इनके हाथों में है, गॉड ऑफ मेडिसिन भी यही है अपोलो, गॉड ऑफ हीलिंग जो है किसी भी बीमारी को ठीक करना जो होता है वो भी अपोलो के हाथ में है, गॉड ऑफ प्लेग महामारी के देवता भी ये हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपोलो, और इंग्लिश लिटरेचर में न जाने कितने राइटर्स पोएट्स ने इनको इस्तेमाल किया है अपने वर्क्स में। ये ज्यूस के बेटे हैं लेकिन हैरा के नहीं हैं, ठीक है, जो ज्यूस की आपने वाइफ पढ़ी हैं, 12 जो मुख्य देवी देवता हैं उनमें से जो एक है हैरा, उनके बेटे नहीं हैं ये, लेटो एक ज्यूस की वो रही हैं प्रेमिका, उनसे ये पैदा हुए थे। इनके जो सिंबल हैं अपोलो के वो है सन, बो एंड एरो इनका एक है, और लायर, लायर कहते हैं सारंगी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ये, वो भी इनका एक सिंबल है। स्वान, हंस इनका सिंबल है अपोलो का, और माउस, चूहा भी इनका सिंबल है। नेक्स्ट जो एक देवी है नेक्स्ट, और नाम है उनका आर्टेमिस, और रोमन्स इन्हें डायना बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर ने बहुत इस्तेमाल किया है डायना देवी का अपने प्लेज में। ये गॉडेस ऑफ द हंट है, ठीक है, शिकार की देवी, गॉडेस ऑफ द विल्डरनेस भी यही हैं, और गॉडेस ऑफ वर्जिनिटी भी यही हैं, किसी भी लड़की की वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करने का काम डायना करती हैं। गॉडेस ऑफ द मून हैं, गॉडेस ऑफ आर्चरी हैं, देखिए ध्यान रखिएगा तीरंदाजी के देवता अपोलो हैं, और तीरंदाजी की जो देवी हैं वो आर्टेमिस हैं। और आपको पता है ऐसा क्यों है, वो देवता हैं और ये देवी हैं, क्योंकि ये दोनों ट्विंस, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों ट्विंस हैं, तो इसी वजह से। ये गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ भी हैं, गॉडेस ऑफ प्रोटेक्शन भी हैं, और गॉडेस ऑफ प्लेग भी हैं ये। तो प्लेग और इसके अलावा आपका जो ये है आर्चरी, ठीक है, ये दोनों सेम हैं बिल्कुल अपोलो की तरह, ठीक है, डायना यानी आर्टेमिस के। नेक्स्ट अगला जो देवता है वो है एरीज, इनको रोमन्स मार्स बोलते थे, ये गॉड ऑफ वॉर हैं, ठीक है, युद्ध के देवता, ये गॉड ऑफ वायलेंस भी हैं, ये गॉड ऑफ ब्लड शेड, खून खराबी, खून खराबा जो होता है उसके भी देवता हैं, और ये जितने भी मैनली वर्च्यूज होते हैं, ठीक है,
यानी वो सारे के सारे गुण जो सिर्फ मर्दों में पाए जाते हैं, ये उसके भी देवता हैं, गॉड ऑफ मैनली वर्च्यूज। ये ज्यूस और हेरा के बेटे हैं, ठीक है। और इनके जो सिंबल्स हैं वो हैं बोर यानी कि जंगली सुअर, सर्पेंट, डॉग, वल्चर यानी कि गिद्ध, स्पीयर कहते हैं भाला, भाला भी इनका एक सिंबल है, और शील्ड, ठीक है, जो इन्होंने पकड़ रखी है फोटो में आप देख रहे हैं। एफ्रोडाइट अगला हमारा कैरेक्टर, देवी हैं ये, और रोमन्स इन्हें वीनस कहते थे। ये गॉडेस ऑफ लव हैं, ठीक है, और हमने एक पोएम लिखी थी अभी कुछ दिनों पहले, हमने भी इनका इस्तेमाल करा अपनी पोएम में। एफ्रोडाइट नाम है, गॉडेस ऑफ लव हैं, गॉडेस ऑफ प्लेजर, आनंद की देवी भी हैं ये, गॉडेस ऑफ पैशन भी हैं, गॉडेस ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है, और पुनर्निर्माण या बच्चे पैदा करने की देवी हैं ये, फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी आप अच्छे से जानते हैं, और गॉडेस ऑफ ब्यूटी भी हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, और गॉडेस ऑफ डिज़ायर भी हैं ये। ये ज्यूस की बेटी हैं ये भी, ठीक है, लेकिन मम्मी इनकी भी हैरा नहीं है, ठीक। और इनके पैदा होने की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि एक यूरेनस नाम के देवता रहे हैं, ठीक, और इनका खून गिरा था समुद्र में, ठीक है, और खून कैसे गिरा था, दरअसल यूरेनस के छोटे भाई थे क्रोनस, ठीक है, जिनके बच्चे चल रहे हैं सब, ठीक है, ज्यूस इन्हीं के बच्चे हैं ना, क्रोनस और रिया के, तो क्रोनस, ठीक है, एक के जो बड़े भाई थे यूरेनस, तो उनका उनको एक नपुंसक कर दिया गया था, ठीक है, और उनकी जो जेनिटल्स थी, ठीक, वो समुंदर में फेंक दी गई थी, ठीक है, तो वहाँ से जो समुंदर की फूम थी वहाँ से एफ्रोडाइट का जन्म हुआ था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये समुंदर की फोम से बनी है, ठीक, और इसीलिए ये जो हैं ये सिंबल जो हैं इनके वो हैं डव, बर्ड, एप्पल, बी, स्वान, और इसके अलावा मेटल, मेहंदी का पौधा इनका प्रतीक है, और रोज़, गुलाब भी इन्हीं का प्रतीक है। अगला जो हमारा कैरेक्टर है, जो देवता हैं ये, और इनका नाम है हेफेस्टस, और हेफेस्टस भी पढ़ते हैं इसे, वल्कन इनका रोमन नाम है। ये मास्टर हैं ब्लैक स्मिथ के, यानी कि बहुत बड़े लुहार हैं, क्राफ्टमैन के देवता हैं, और ये गॉड ऑफ फोर्ज भी हैं, यानी कि कुछ भी बना देते हैं, किसी की भी नकल कर देते हैं, ये क्राफ्टमैनशिप उसी को बोलते हैं, और ये गॉड ऑफ इन्वेंशन भी हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हेफेस्टस की बात कि ये गॉड ऑफ फायर हैं, आग के देवता हैं ये, और ये गॉड ऑफ वॉल्केनोज यानी के ज्वालामुखी के देवता भी हैं, और इसी वजह से इनका रोमन नाम वल्केन है। और इसके जो ज्यूस के जो बेटे हैं, और हेरा इनकी मम्मी है, ठीक है, और इनके जो सिंबल्स हैं, फायर इनका सिंबल है ऑब्वियसली, क्योंकि आग के वो हैं देवता, इसके अलावा जो एक्स है, कुल्हाड़ी इनका सिंबल है, हैमर, हथौड़ा, क्योंकि क्राफ्टमैन है और क्योंकि लुहार है तो हथौड़ा इनका सिंबल है, टोंग्स, चिमटा इनका सिंबल है, ठीक है, और क्वेल इनका सिंबल है यानी कि छेनी। नेक्स्ट अगला जो हमारा कैरेक्टर है, ये भी एक देवता है और नाम है इनका हमीज, और रोमन्स इन्हें मर्क्यूरी बुलाते हैं। ये मैसेंजर ऑफ गॉड्स हैं, ठीक है, ये सभी देवताओं के संदेश लेकर जाते हैं, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में नारद, ठीक है, नारद बोलते हैं शायद, ये गॉड ऑफ ट्रैवल हैं, ठीक, ये गॉड ऑफ कॉमर्स भी हैं, गॉड ऑफ कम्युनिकेशन है ऑब्वियसली, गॉड ऑफ बॉर्डर्स हैं ये, गॉड ऑफ एलोक्वेंस, अच्छा बोलते हैं ये बहुत, ठीक है, तो अच्छी क्या कहते हैं, स्पीच के देवता भी हैं ये, गॉड ऑफ डिप्लोमेसी भी हैं ये, ठीक है, गॉड ऑफ थीव्स हैं ये, चोरों के देवता हैं ये, और गॉड ऑफ गेम्स भी हैं ये, ठीक है, तो गॉड ऑफ गेम्स याद रखेंगे, गॉड ऑफ कम्युनिकेशन, गॉड ऑफ ट्रैवल और मैसेंजर ध्यान रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके। और ऐसा माना जाता है कि यही वो आदमी हैं जो सोल्स को, आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं कि जाना कहाँ पर है। ये जो है ज्यूस के बेटे हैं, लेकिन इनकी मम्मी हेरा नहीं है, ये एक निम्फ के बेटे हैं, यानी एक परी के बेटे हैं, माया नाम था इनकी मम्मी का। इनके जो सिंबल हैं वो हैं विंग्ड सैंडल्स एंड कैप, स्टॉर्क और टॉर्टोइज इनका एक सिंबल है। नेक्स्ट
अगला जो हमारा कैरेक्टर है वो एक देवी हैं और उनका नाम है हेस्टिया। रोमन्स इन्हें वेस्टा बोलते थे। ये गॉडेस ऑफ फायर हैं, ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये सभी चीज़ों को ऑर्डर में रख देती हैं, क्रम से रखती हैं, और दुनिया में जितना भी ऑर्डर है, जितना भी सुकून है, वो सब इन्हीं की वजह से। हेस्टिया खासतौर से परिवार को बांधने का काम करती हैं ये, ठीक। और ये फर्स्ट चाइल्ड हैं क्रोनोस और रिया की, ठीक है, पहला बच्चा है उनका ये। और इसके अलावा कुछ लोगों का मानना यह है कि जो 12 ओलंपियंस हैं ये उनका हिस्सा नहीं थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये 12 ओलंपियंस का हिस्सा थी। नेक्स्ट जो आखिरी सदस्य है 12 ओलंपियंस का वो हैं डायोनिसस। इन्हें बैकस भी बोलते हैं और इनका रोमन नाम भी बैकस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर में, ना जाने कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। और गॉड ऑफ वाइन है ये, ठीक है, और गॉड ऑफ ग्रेप वाइन भी हैं ये, ठीक है, यानी कि अंगूर की बेलों के देवता हैं और शराब के देवता हैं। गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी हैं ये, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ मर्दों की फर्टिलिटी के देवता हैं, ठीक। और जो हमने ऊपर पढ़ा था एफ्रोडाइट, वो गॉडेस थी फर्टिलिटी की, वो औरतों की फर्टिलिटी का ध्यान रखती हैं, ये मर्दों की रखते हैं। ये गॉड ऑफ फेस्टिविटी भी हैं क्योंकि मौज में रहते हैं बैकस, ठीक है। और ये गॉड ऑफ एक्सटेसी, आनंद के देवता भी हैं। ये गॉड ऑफ मैडनेस, पागलपन के देवता भी हैं, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि ये पैट्रॉन गॉड हैं आर्ट ऑफ थिएटर के, ठीक है, यानी कि एक तरह से संरक्षक हैं ये थिएटर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए और सभी राइटर्स और प्ले राइट्स के लिए। ज्यूस के बेटे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी मम्मी भी हैरा नहीं है, ये एक थीबियन प्रिंसेस थी, एक सैमेले, उनसे हुए थे। खैर वो किसी और वीडियो में समझाएंगे ये सारी बातें, अभी तो हम सिर्फ 12 जो ओलंपियन हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे यंगेस्ट ओलंपियन गॉड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका। इन 12 ओलंपियंस में सबसे जवान हैं ये, सबसे छोटे हैं ये बैकस। और ये इकलौते ऐसे देवता हैं जो एक मॉर्टल मदर हैं जिनकी, यानी कि एक इंसानी माँ से पैदा हुए हैं ये। इनके जो सिंबल हैं वो है ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल इनका सिंबल है, आईवी, कप, टाइगर, पैंथर, लियोपर्ड और डॉल्फिन, गॉट और पाइन कोन, ये सब इनके सिंबल्स हैं। तो आई होप आपको ये 12 ओलंपियंस समझ में आ गए हैं। सो आई होप आपको ये सभी देवी देवता समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चार काम जरूर करिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब।